गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स के अंतर्गत फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स बाय यूजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स मेथड को पढ़ा था। आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब इस फॉर्म का कोई भी पॉलीनोमियल्स दिया हुआ होगा तो उस पॉलीनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम दो ऐसा इंटीजर लेते हैं जिसका सम जो है मिडिल टर्म के कोफिशियंट के इक्वल्स हो। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका पॉलीनोमियल्स जो है वो गिवन पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम दो इंटीजर ऐसा लेंगे, लेट पी एंड क्यू आर टू इंटीजर्स सच दैट कि उसका सम जो है मिडिल टर्म के कोफिशियंट के बराबर हो। दैट मीन्स पी प्लस क्यू इक्वल्स टू बी और दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट लास्ट कोफिशियंट के बराबर एंड पी क्यू इक्वल्स टू सी। दिस इंप्लाइज एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, अब इस एक्सप्रेशन में बी के प्लेस पे हम पी प्लस क्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सी के प्लेस पे पी क्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू आपका हो गया पी प्लस क्यू इंटू एक्स और सी का वैल्यू हो गया पी क्यू। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से पी को मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स, क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अब इसके बाद जो टर्म्स आए हैं इन टर्म्स का ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स आपका है एक्स स्क्वायर और पी एक्स। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स एंड पी एक्स मीन्स पी मल्टीप्लाई एक्स। इन दोनों टर्म्स में जो है एक्स कॉमन है तो एक्स हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जब एक्स निकल जाएगा कॉमन फैक्टर में तो एक्स बचेगा और पी एक्स का जब एक्स निकल जाएगा तो इसमें प्लस पी बचेगा। नेक्स्ट टर्म है आपका क्यू एक्स प्लस पी क्यू। तो क्यू एक्स मीन्स आपका हो गया क्यू मल्टीप्लाई एक्स एंड पी क्यू मीन्स हो गया पी मल्टीप्लाई क्यू। तो यहां पर जो है क्यू जो है दोनों टर्म में कॉमन है तो क्यू को हम कॉमन ले लेंगे। तो क्यू एक्स में से क्यू जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा और पी क्यू में से जब क्यू कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, पी बचेगा। अब यहां पर एक्स प्लस पी जो है दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर आ गया तो इस एक्स प्लस पी को कॉमन कर लेंगे और उसके बाद बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में एक्स और सेकेंड टर्म में क्यू। तो यही आपका एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम
किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसको हम लोग आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 3C के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे। आप इसको राइट डाउन कर लें। फर्स्ट प्रॉब्लम है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 एक्सरसाइज 3C का। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। एक्सप्रेशन को लिखने के बाद फर्स्ट काम हमको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहां फर्स्ट टर्म का कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा और लास्ट टर्म 30 है तो 1 × 30 = 30 हो जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अभी जो 30 जो आया इस 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो हो जाएगा 2 से 15 टाइम्स में डिवाइड होगा और फिर 3 से 5 टाइम्स में। तो इस 30 का फैक्टर जो आया उसमें से फर्स्ट फैक्टर आपका हो गया, फिर 5 को करेंगे 5 × 5 तो 1 × 30 2 × 15 3 × 10 5 × 6 30 के 4 पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब इस फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 30 और 1 31 होगा, 15 और 2 इसको प्लस और माइनस करेंगे तब भी 11 नहीं आएगा, 10 और 3 इसको भी प्लस माइनस करेंगे तो 11 नहीं आएगा। लेकिन लास्ट फैक्टर 5 × 6 जो है 5 और 6 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इस मिडिल टर्म का एक्सपेक्टेशन जो होगा वो 5 और 6 में होगा। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। अब यहां पर फर्स्ट टू टर्म्स हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ गया। तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स एंड 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई एक्स। तो इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन है तो हम एक्स को बाहर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर में से जब एक्स कॉमन हो जाएगा तो आपका एक्स बचेगा, प्लस का साइन है तो प्लस, 5x में से जब एक्स बाहर हो जाएगा तो प्लस 5 बचेगा। अब नेक्स्ट टर्म जो है 6x प्लस 30 है तो 6x मीन्स 6 मल्टीप्लाई एक्स एंड 30 मीन्स 6 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें जो है 6 कॉमन फैक्टर है तो 6 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 6x में से जब 6 कॉमन हो जाएगा तो इसमें x बचेगा और 30 में से जब 6 कॉमन हो जाएगा तो इसमें 5 बचेगा। अब आपका x प्लस 5 जो है वो दोनों टर्म में आ गया तो इस x प्लस 5 को हम कॉमन कर लेंगे। तो अब फर्स्ट टर्म में हमारा एक्स बचेगा और सेकंड टर्म में प्लस 6 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका गिवन एक्सप्रेशन जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 हो गया। अब यहां पर
फर्स्ट टर्म जो है इसका कोफिशियंट कुछ नहीं तो 1 होगा, और लास्ट टर्म माइनस 18 है, तो 1 इंटू माइनस 18 होगा। अब यहाँ पे नंबर आपका 18 आया, इस 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इस 18 का जो फैक्टर आएगा वो आपका होगा 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। अब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम प्लस या माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा? तो इसमें से 9 और 2, 9 में से 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो 9 माइनस 2 में होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18। अब इसका जो फर्स्ट टू टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स एंड 9x मीन्स 9 मल्टीप्लाई एक्स। तो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो x कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का जब x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x बचेगा, और 9x का जब x कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, प्लस 9। अब नेक्स्ट टर्म आपका है 2x और 18, तो 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई एक्स, और 18 के लिए हमने क्या लिया था, 2 मल्टीप्लाई 9। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x में से 2 जब कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां माइनस था और जब माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 18 का 2 जब कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब x प्लस 9 आपका दोनों प्लेस पे आ गया तो इस x प्लस 9 को कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, x, और इसमें क्या बच जाएगा, माइनस 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग सोल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एक्सप्रेशन, तो गिवन एक्सप्रेशन में जो आपका प्रॉब्लम है उसको एज यूजुअल राइट डाउन कर देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 हो गया। अब यहां पर इसका जो फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट है और लास्ट टर्म जो है कॉन्स्टेंट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट 1 है और लास्ट टर्म 3 है, तो 1 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा 3 आएगा, और इस 3 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, यानी 3 का फैक्टराइजेशन 1 इंटू 3 हुआ, और 1 और 3 दोनों को प्लस करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3y प्लस 3। अब जब ये स्प्लिट हो गया तो इसके फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स आपका है y स्क्वायर और y, तो y स्क्वायर दैट मीन्स y इंटू y एंड y मीन्स y इंटू 1। अब इन दोनों टर्म में जो है y कॉमन है तो y को हम कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर में से जब y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, y, और y में से जब y कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1, तो माइनस का साइन है तो माइनस और 1 का 1 हो गया। अब लास्ट टू टर्म्स इसका है माइनस 3y प्लस 3, तो 3y दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई y एंड 3 दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1, तो इन दोनों में जो है 3 कॉमन है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो 3y में से 3 जब कॉमन हो गया तो बचा क्या,
वाई बचा तो वाई हो गया, और यहाँ प्लस का साइन है और जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और थ्री में से जब थ्री कॉमन हो गया तो इसमें वन बचा तो यहाँ पे वन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब y माइनस वन दोनों टर्म में है तो y माइनस वन को कॉमन कर लेंगे तो इसमें y बचेगा और इसमें माइनस थ्री बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका है एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस एटी बी, एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस एटी। अब यहां पहले लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस एटी। अब यहां फर्स्ट टर्म जो है उसका कोफिशियंट वन है और लास्ट टर्म का एटी है, तो वन इंटू एटी माइनस एटी माइनस एटी आएगा। अब इस एटी का फैक्टराइजेशन करेंगे तो टू से फोर्टी आ जाएगा, टू से ट्वेंटी आ जाएगा, फिर टू से आपका टेन आ जाएगा, फिर टू से फाइव आ जाएगा, फिर फाइव वन या फाइव हो जाएगा। तो एटी का जो फैक्टराइजेशन हुआ वो आपका हो गया वन इंटू एटी, टू इंटू फोर्टी, फोर इंटू ट्वेंटी, फाइव इंटू सिक्सटीन और एट इंटू टेन। अब हमको जो है मिडिल टर्म जो है इलेवन लाना है, तो इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम प्लस या माइनस करेंगे तो वो इलेवन आएगा, तो वैसा फैक्टर हमारा है फाइव इंटू सिक्सटीन, सिक्सटीन में से फाइव को माइनस करेंगे तो इलेवन आ जाएगा। तो अब इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ इलेवन के पहले का साइन माइनस है तो इसमें जो बड़ा नंबर है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन एक्स, और जो छोटा नंबर है उसके साथ प्लस लगाएंगे तो प्लस फाइव एक्स माइनस एटी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टू टर्म्स है वो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स, तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स एंड सिक्सटीन एक्स मीन्स एक्स इंटू सिक्सटीन, तो इन दोनों में जो है एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का जब एक्स निकल जाएगा तो इसमें एक्स बचेगा माइनस सिक्सटीन एक्स, सिक्सटीन एक्स का एक्स निकल जाएगा तो इसमें माइनस सिक्सटीन बचेगा प्लस। अब नेक्स्ट हो टर्म है फाइव एक्स माइनस एटी, तो 5x दैट मीन्स 5 इंटू एक्स और 80, तो 80 का फैक्टर हमने लिया था 5 इंटू सिक्सटीन, अब इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5x का 5 जब कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा x बचेगा, और 80 का 5 जब कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा 16 बचेगा। अब x माइनस सिक्सटीन जो है दोनों टर्म में आ गया तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में हमारा बच जाएगा x और सेकेंड टर्म में हमारा बच जाएगा प्लस फाइव, तो यही आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम है सिक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो गिवन एक्सप्रेशन सिक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस वन, कॉन्स्टेंट टर्म सिक्स, तो माइनस वन इंटू सिक्स माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स होगा। अब इस सिक्स का फैक्टराइजेशन करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, तो सिक्स का फैक्टर आपका हो गया वन इंटू सिक्स एंड टू इंटू थ्री। अब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम प्लस या माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म का कोफिशियंट आ जाएगा, तो मिडिल टर्म यहाँ पर एक्स है और इसका कोफिशियंट माइनस वन है,
तो अगर हम टू में से थ्री को माइनस करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो होगा सिक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टू एक्स में से थ्री एक्स को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब इस दोनों टर्म्स में से और लास्ट दोनों टर्म्स में से कॉमन करेंगे तो यहां पर है सिक्स प्लस टू एक्स, तो सिक्स मीन्स टू मल्टीप्लाई थ्री एंड टू एक्स मीन्स टू मल्टीप्लाई एक्स। तो इन दोनों में जो है टू कॉमन है तो हम टू कॉमन ले लेंगे, तो सिक्स का जब टू निकल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, थ्री बचेगा। और टू एक्स में से जब टू निकल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, एक्स बचेगा। माइनस नेक्स्ट टर्म है थ्री एक्स और एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स मीन्स थ्री मल्टीप्लाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। तो थ्री एक्स में से जब एक्स कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, थ्री। और जब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन हो गया तो इसमें क्या बच गया, प्लस एक्स। अब थ्री प्लस एक्स जो है दोनों टर्म में आ गया, ये हो गया थ्री प्लस एक्स इंटू टू माइनस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।